क्या हालचाल दोस्तों, काफ़ी समय से मैं मिनी ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना लॉन्ग ब्लॉग शूट कर लिया जाए। और ये मेरा पहला लॉन्ग ब्लॉग होगा जो कि मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ। और हाँ, आज गोवर्धन पूजा भी है, तो मैं आज उसमें दिखाऊंगा कि गोवर्धन पूजा में क्या क्या बनता है। ये यहाँ पर चौकीदार, और ये मेन दरवाज़ा, ये बिल्ली जो कि दूध के सामने बैठी है, और यहाँ पर ये घर के मेम्बर्स बनाए जाते हैं, ये गोधनिया और ये गोधन, ये गाय उनके लिए चारा, और ये ट्रैक्टर ट्राली, इनमें खीले रख दिए, और इस वाले में थोड़ा जल रख दिया है। ओके गाइस, तो मम्मी ने ये सब गोबर से बना दिए हैं, और अब होगी गोवर्धन पूजा, तभी मैं आपको पूजा दिखाऊंगा, जिसके लिए मम्मी यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हैं। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है और मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही हैं। इस ज्योति में बतासे, देसी घी, लौंग और पूड़ियाँ चढ़ाई गई हैं। ओके गाइस, तो मम्मी ने पूजा कर ली है, मैं और मम्मी गांव के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए जाएंगे, और एक मंदिर और भी है वो जो कि दूसरे गांव में है, वहां भी प्रसाद चढ़ाना है। ओके गाइस, तो मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, मैं और मम्मी ताई मंदिर पर पहुँच चुके हैं। मम्मी ने तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ा दिया है, अब ताई प्रसाद चढ़ा रही हैं। यहाँ पर दो मूर्तियाँ इसलिए अलग हैं, जैसे कि नवदुर्गा में 9 कन्याएं और 2 बरुआ होते हैं, तो ये 2 बरुआ हो गए, और यहाँ पर ये लाइन से 9 कन्याएं हो गई, 9 देवियाँ। यहाँ पर फर्श पर जो काई आ गई है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है, इस पर चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अभी हम जिस मंदिर पर जा रहे हैं बिल्कुल गांव से अलग हटकर है, और रास्ता उसका बिल्कुल खेतों से होकर जाता है। गाइस, तो मैं अभी मंदिर पहुंच चुका हूं, और ये मंदिर का काम अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है, इसमें पहले फर्श नहीं थी, अभी फर्श पड़ चुकी है। आप ये देख सकते हैं, ये मंदिर गाँव से बिल्कुल अलग हटकर है, यहाँ पर आसपास सब खेत ही खेत हैं, और ये बिल्कुल मंदिर जंगल में है। ये जो शिवलिंग देख रहे हैं ये कई सौ साल पुरानी है, कुछ लोगों ने इसको ले जाने की भी यहाँ से कोशिश की थी, जिसके कारण इसमें ये कई होल भी हो रखे हैं। फाइनली प्रसाद चढ़ा दिया है, अब बाकी का मंदिर भी मैं घूमता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये पीपल का पेड़ भी बहुत ज्यादा पुराना है, और देखने से ही लग रहा है ये कम से कम 100-150 साल पुराना तो होगा ही, इसका एक तना यहाँ पर फट चुका है। और ये कुआं भी बहुत ज़्यादा पुराना है, अभी तो फिलहाल फट चुका है, ये पीपल का पौधा भी इसमें जम चुका है। जैसा कि मैंने बोला था, ये मंदिर खेतों के बीच में है, तो पीपल का पेड़ इसका आगे भी है, यहाँ पर रास्ता भी बना रखा है। फाइनली प्रसाद चढ़ा दिया है, अब हम जाएंगे घर पर, ये रही अपनी मिनी निंजा। तो गाइस, घर पर पहुंच चुका हूं, अब मैं करूंगा लंच। गाइस, पेट पूजा तो हो चुकी है, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं मम्मी को दवाई दिलाने के लिए लेके जा रहा हूं। क्लिनिक पहुंच गए, हमें आयुर्वेदिक दवा चाहिए थी इसलिए हम यहाँ पर आए। फाइनली गाइस, मैं दवाई लेकर घर पर आ गया था, और मैं इस वीडियो को अब एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।